आजाद नेशन न्यूज़, पैनी नजर, हर खबर। भूता थाना क्षेत्र के गांव इब्राहिमपुर में एक प्रेम युगल ने अपने अपने घरों में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। 2 साल से उनके बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। 6 महीने पहले जब इसका घर वालों को पता चला तो अंतरजातीय होने की वजह से घर वालों ने उन पर बंदिशें लगा दी, जिसके बाद शनिवार को प्रेमी जोड़े ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। थाना भूता क्षेत्र के गांव इब्राहिमपुर निवासी 21 वर्षीय करण पुत्री धर्मपाल का अपने पड़ोसी 22 वर्षीय अर्जुन पुत्र छोटे के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। करण जाटव थी, अर्जुन कुर्मी। करीब 2 साल पहले अर्जुन व उसका परिवार किरण के पड़ोस में मकान बनवाकर बसा था। वैसे अर्जुन का परिवार ग्राम बीरमपुर का रहने वाला है। किरण और अर्जुन के घर की छत मिली हुई है, अक्सर दोनों छत पर ही मिला करते थे। 1 साल पहले किरण के रिश्ते की बात कहीं से चली तो किरण ने शादी करने से इनकार कर दिया। दूसरी जगह शादी की बात कहने पर जान देने की बात कही थी। इस पर घर वालों को शक हुआ। इधर अर्जुन कुछ दिन से ही एक बेकरी में काम कर रहा था। संभवतः दोनों घर से भागने की योजना बना रहे थे। करीब 3 माह पहले किरण और अर्जुन को घर वालों ने देख लिया तो उनके मिलने जुलने पर पाबंदी लगा दी। किरण का घर से निकलना बंद कर दिया। इससे प्रेमी युगल परेशान था। दोनों एक दूसरे से शादी के लिए परिवार वालों से जिद कर रहे थे, लेकिन वे लोग नहीं माने। इस पर शनिवार को एक दूसरे से फोन पर बात करने के बाद दोनों ने जहर खा लिया, जिससे किरण की घर पर तथा अर्जुन की बरेली के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं इस मामले में एसपी ग्रामीण राजकुमार अग्रवाल का कहना है, दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था, ये बात आम है। संभवतः दोनों ने आत्महत्या की है। फिर भी मामले की गहनता से जांच की जा रही है। अगर कोई तथ्य निकलकर सामने आते हैं तो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्षेत्र भूता के ग्राम इब्राहिमपुर में एक युवक और युवती के द्वारा जहर खाकर आत्महत्या की है। सूचना पर थाना पुलिस के द्वारा उनके शवों का पंचायतनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। गांव में यह आम चर्चा है कि दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था, फिर भी घटना के कारणों की गहराई से जानकारी की जा रही है। स्पोर्ट न्यूज, पॉलिटिकल न्यूज, क्राइम न्यूज, सोशल न्यूज, हेल्थ न्यूज, तमाम तरीके की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें आजाद नेशन न्यूज के साथ।